नमस्कार, आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी, घर पर बहुत ही आसान तरीके से खाजा। ये बाजार से भी ज्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो चलिए दोस्तों, हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बोल में हम लेंगे 1 कप मैदा, ग्राम्स में नापे तो ये 250 ग्राम्स है। 1/4 कप घी, मैंने यहाँ पर घर का बनाया हुआ घी यूज किया है, घी 60 ml है। अब हम दोनों को अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे। ऐसे करने से खाजा में बहुत ही अच्छे से खस्ता आता है, जिससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छे से मैदा और घी को मिला लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदे, एक बार में ज्यादा पानी डालने से डो खराब हो सकता है। और ये देखिए, डो हमारा परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसे कवर करके छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, तब तक हम चलते हैं इसका चाशनी प्रिपेयर करने की तरफ। यहाँ मैंने 1 कप चीनी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। चीनी के क्वांटिटी से हमेशा हाफ रहेगा पानी का क्वांटिटी। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे, जब तक कि पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए और थोड़ा थिक हो जाए। खाजा बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अपना व्यू कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, चाशनी को हमें एक तार का बनाना है। मैं आपको उंगलियों से भी टच करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, चाशनी का टेक्सचर इस तरह से रहना चाहिए। चाशनी एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम चाशनी का टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। ये डालने से चाशनी में बहुत ही अच्छा खुशबू आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी। तो आप भी इलायची पाउडर जरूर डालें। और इलायची पाउडर डालकर हम चाशनी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मिलाते हुए कुक करेंगे। अब हम चाशनी में डालेंगे 1/2 नींबू का रस। चम्मच से नापने पर ये 1 से 2 बड़ा चम्मच है। नींबू का रस डालने से चाशनी जमता नहीं है। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। चाशनी अब परफेक्टली रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालकर तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है, चलिए हम आगे का काम कर लेते हैं। एक बोल में हम लेंगे 1/4 कप मैदा, ये 60 ग्राम्स है। और अब हम डालेंगे 1/4 कप घी। अब हम दोनों इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाते हुए हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है। बैटर परफेक्टली रेडी है। चलिए हम लोग चलते हैं डो को बेलने की तरफ। यहाँ मैंने डो का गोला ले लिया है। गोले का साइज नॉर्मल रोटी के गोले जितना ले। अब हम डो के गोले को इस तरह से उंगलियों से प्रेस करेंगे और अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। हमें डो को अच्छे से पतला करते हुए बेलना है। ये देखिए, डो अच्छे से बेला चुका है। अब हम सारे डो का इसी तरह से गोला बनाकर सेम प्रोसेस से बेल लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से खाजा बनाने का तरीका। अगर आप कोई और इजी स्वीट डिश ट्राई करना चाहें तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर प्रेस करें। मैंने अपने चैनल पर बहुत ही ज्यादा टेस्टी और इजी स्वीट डिश की रेसिपी दी हुई हूँ। और अगर आपको खाजा बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ हमने सारे डो को बेल कर प्लेट में रख लिया है। और ये जो लास्ट वाला डो बेला हुआ है, इसे ग्रीस करेंगे प्रिपेयर्ड बैटर के साथ।
जिस बैटर को हमने इससे पहले वाले स्टेप में प्रिपेयर किया था, बैटर को पहले हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम ब्रश के हेल्प से इसे बेले हुए डो के ऊपर स्प्रेड करते हुए ग्रीस करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी सेम तरीके से करें। बेला हुआ डो अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब हम इसके ऊपर दूसरे बेले हुए डो को रखेंगे इस तरह से। दोनों बेले हुए डो को अच्छे से हम सेट कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसके भी ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से ग्रीस करेंगे प्रिपेयर्ड बैटर के साथ। हमें ये प्रोसेस सारे बेले हुए डो के साथ करना है। इसी तरह से हम एक एक करके लेयर लगाते जाएंगे बेले हुए डो का। ये देखिए, ये लास्ट बेला हुआ डो है। अब हम इसे भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे प्रिपेयर्ड बैटर के साथ। ये परफेक्टली रेडी है। अब हम सर्कल के साइड में थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से रोल हो। अब हम बेले हुए डो को एक साइड से इस तरह से रोल करेंगे। हमें इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए रोल करना है। जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी सेम तरीके से करें। ये देखिए, ये अच्छे से रोल हो चुका है। अब हम इस रोल को अच्छे से सेट करने के लिए इसे और थोड़ा सा प्रेस करते हुए रोल करेंगे। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी सेम तरीके से करें। रोल हमारा परफेक्टली सेट हो चुका है। अब हम रोल के दोनों साइड को इस तरह से कट करके हटा लेंगे और पूरे रोल को इस तरह से कट कर लेंगे। हमें इसे थोड़ा मोटा रखना है। यहाँ मैंने एक पीस में लगभग 1 से 1.5 इंच की मोटाई रखी है। आप इसे अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब एक पीस को इस तरह से हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे अच्छे से बेलेंगे। इस तरह से सारे कट किए हुए पीसेस को हमें सेम तरीके से बेल लेना है। और इधर हमारा तेल हल्का गरम हो चुका है। डो का छोटा टुकड़ा डालकर देखें। तेल हमें ज्यादा गरम नहीं करना है। अब हम इसमें बेले हुए खाजा को डालेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। तेल ज्यादा गरम होने से खाजा का ऊपर वाला पार्ट बहुत ही जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। इसीलिए ख्याल रखें कि फ्लेम हमेशा मीडियम टू लो रखें। अगर आपका तेल ज्यादा गरम हो जाए तो थोड़े देर के लिए गैस ऑफ कर दें। हमें खाजा को अच्छे से टर्न करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हर साइड से। और ये देखिए दोस्तों, खाजा कितने अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम खाजा के पीसेस को इस तरह से ऑयल ड्रेन करते हुए निकाल लेंगे प्लेट पर। अब सारे बचे हुए पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम सारे फ्राई किए हुए खाजा के पीसेस को डालेंगे प्रिपेयर किए हुए चाशनी में और सारे खाजा के पीसेस को इस तरह से अच्छे से चाशनी से कोट करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी सेम तरीके से करें। ये देखिए, सारा खाजा का पीसेस अच्छे से चाशनी से कोट हो चुका है और चाशनी को अच्छे से सोक भी कर लिया है। और ये हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी, घर पर बहुत ही आसान तरीके से खाजा रेडी हो चुका है सर्व होने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए लाइक बटन पर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।